The government releases a draft of the revised data protection bill 3 months after withdrawing the previous bill. Now, according to sources, the government has mulled over incorporating stringent provisions for penalties in case of violation of provisions of law by data processors. So the revised bill addresses several sticking points in the previous one, which had been opposed by global tech companies and caused an industry pushback. The purpose of the legislation, as mentioned in the draft, is to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and the need to process personal data for lawful purposes. नमस्कार, चाणक्य IAS Academy में आपका स्वागत है। हाल ही में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल या व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का एक नया ड्राफ्ट अथवा मसौदा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक डोमेन में रखा गया। इसे बनाने में कम से कम 4 साल लगे हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। नया कानून 2019 के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का उत्तराधिकारी है। 2019 के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ा था। विरोध का कारण था, पहला, पर्सनल डेटा तक पहुंच के मामले में राज्य को मिले असीमित अधिकार। दूसरा, डिजिटल उद्योग के लिए इसके अनुपालन करने में आने वाली मुश्किलें। और तीसरा, 2017 में निजता के अधिकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा देने में पूर्ण रूप से सक्षम ना होने की संभावना है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का नया मसौदा व्यक्तिगत डेटा को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, इसके लिए कुछ आवश्यक बुनियादी बातों को निर्धारित करता है। नए मसौदे के अनुसार व्यक्तिगत डेटा को स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचित और स्पष्ट सहमति के बाद ही प्रोसेस्ड किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं का डेटा संग्रहित है उन्हें भी उस सहमति को वापस लेने का अधिकार होगा। उनके यह भी अधिकार होगा कि उपयोग किए जा रहे डेटा के विवरण की मांग करें और डेटा के उपयोग की मनाही भी कर दें। इस तरह व्यक्तियों को डेटा उपयोग की सहमति वापस लेने का अधिकार देना भी इस नए प्रस्तावित कानून में एक अच्छा प्रावधान है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान में प्रस्तावित कानून में बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस्ड करने के लिए संबंधित संस्था को माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। नए ड्राफ्ट में पेनल्टी का भी प्रावधान है। व्यक्तिगत डेटा को गलती से सार्वजनिक करने, साझा करने, बदलने या नष्ट करने सहित डेटा उल्लंघनों को रोकने में विफल रहने पर दोनों को, मतलब कंपनियों और व्यक्तियों के लिए, जुर्माना 500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यदि डेटा संरक्षण का दायित्वकर्ता या डेटा प्रोसेसर व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों को रोकने में विफल रहते हैं तो जुर्माना 250 करोड़ रुपए तक जा सकता है। हालांकि साइबर सुरक्षा मुद्दे से निपटने के लिए किसी क्रिमिनल अपराध के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। नए प्रस्तावित कानून में डिजिटल इंडस्ट्री के लिए राहत की बात है, वह ऐसे कि भारत की सीमाओं के बाहर सूचना को ले जाने पर पाबंदी संबंधी सीमाएं कम है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो भारतीय प्रौद्योगिकी सेवा निर्यातकों और क्लाउड सेवाओं का उपयोग करने वालों के लिए व्यापार करना आसान बना देगा। मसौदे के प्रावधान डेटा स्थानीयकरण पर कंपनियों की चिंता को भी संबोधित करते हैं, जिसे उद्योग ने नवाचार और विस्तार करने की उनकी क्षमता के लिए एक विशेष खतरे के रूप में देखा था। लेकिन नए ड्राफ्ट के अभी भी विवादास्पद होने की संभावना है, विशेष रूप से इसकी कि डीम्ड कॉन्सेप्ट नामक अवधारणा से यह कैसे निपटता है। डीम्ड कॉन्सेप्ट का मतलब है व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच की सहमति देने को स्वयं मान लेना। इसका अर्थ है कि यह सरकार को व्यापक अधिकार देता है कि वह व्यक्तिगत डेटा का उपयोग सार्वजनिक हित में कर सके। नया ड्राफ्ट बिल भविष्य में व्यक्तिगत डेटा के सार्वजनिक हित में उपयोग के किसी भी सरकारी विभाग को अनुमति और इस कानून से छूट देने की शक्ति देती है। एक और विवादास्पद बिंदु है, वह यह है कि नए डेटा संरक्षण बोर्ड की संरचना और कार्य, जो शिकायतों के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। इस बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य केवल सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर स्वयं सरकार ही जांच के दायरे में रहेगी तो यह स्वतंत्र होकर कैसे कार्य करेगा। अभी हमें बिल के कानून बनने तक का इंतजार करना होगा।
परंतु विभिन्न आशंकाओं के समाधान के लिए यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियम यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR पर विचार करने के लिए एक उपयोगी उदाहरण हो सकता है। सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया एक कानून है। 2016 में स्वीकार किए गए GDPR डेटा सुरक्षा का व्यापक क्षेत्र कवर करता है, यहां तक कि मैनुअल रूप से एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को भी संरक्षित किए जाने की बात इसमें है। GDPR भी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, लेकिन यह सरकार के द्वारा डेटा दुरुपयोग की संभावना को रोकता भी है। इसमें सरकार को डेटा तक पहुंच की छूट एक सीमा के साथ दी गई है। हालांकि ये मुद्दे संसदीय बहस और सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या किए गए संवैधानिक सिद्धांतों की कसौटी पर कैसे खड़े उतरते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए निजता कानून पर सरकार की यह नई पहल स्वागत योग्य है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से संबंधित नए ड्राफ्ट या मसौदा जो सरकार के द्वारा हाल ही में लाया गया है के विभिन्न आयामों पक्षों पर बात की। इसके साथ ही इस वीडियो को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।